अभी अभी आई एक बहुत बड़ी खबर। मोदी सरकार में रहे मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ही खुद सरकार के विकास दर की पोल खोल दी है। उनके इस दावे से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दरअसल आपको बता दें कि हमारे देश की तरक्की की असली रफ्तार कितनी है, इस बात को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। कई बार तो आर्थिक विशेषज्ञों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। अब सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने बड़ा दावा कर दिया है। सुब्रमण्यम ने एक नए शोध पत्र में कहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2016-17 के बीच जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की दर 7% के आसपास रही है। लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि वास्तविक जीडीपी हर साल 4.5% के आसपास रही है। अरविंद ने इसे अपने ताजा शोध पत्र में दावा किया है। आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह रिसर्च पेपर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रकाशित किया गया है। सुब्रमण्यम ने रिसर्च पेपर में दावा करते हुए कहा है कि भारत सरकार ने जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो सही नहीं है। उनका कहना है कि इन वित्त वर्षों के दौरान आधिकारिक अनुमानों में औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 7% आंकी गई थी। सुब्रमण्यम का कहना है जबकि जीडीपी का असल आंकड़ा करीब 4.5% था। सुब्रमण्यम ने अपने रिसर्च पेपर में समझाते हुए कहा है कि जीडीपी के गलत मापन का सबसे बड़ा कारण मैन्युफैक्चरिंग सेंटर रहा है। सुब्रमण्यम का कहना है कि साल 2011 से पहले मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक और मैन्युफैक्चरिंग निर्यात से संबंधित होता था, लेकिन बाद के सालों में इस संबंध में काफी गिरावट आई है। सुब्रमण्यम का कहना है कि 2011 के पहले जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के योगदान का मोल जीडीपी में जोड़ा जाता था उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के 17 सेक्टर के आधार पर भारत की जीडीपी में 2.5% की हेराफेरी होने का दावा किया है। सुब्रमण्यम का कहना है कि भारत सरकार ने जो नई प्रणाली अपनाई है उसमें 21 सेक्टर का हिसाब लिया जाता है, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। सुब्रमण्यम ने लिखा है कि भारत की नीति की जो गाड़ी है उसमें लगा स्पीडोमीटर गड़बड़ है बल्कि टूटा हुआ है। सुब्रमण्यम के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ के लिए 17 आम आर्थिक बिंदु होते हैं, लेकिन एमसीए 21 डेटाबेस में इन बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया है। शोध पत्र के अनुसार सुब्रमण्यम का कहना है कि उन्होंने 17 सेक्टर के आधार पर अपनी गणना की है। गणना करने का समय वर्ष 2002 से 2017 है। सुब्रमण्यम के मुताबिक बिजली का उपभोग, दुपहिया वाहनों की बिक्री, व्यावसायिक वाहनों की बिक्री, हवाई यात्रा का किराया, औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक, उपभोक्ता वस्तुओं का सूचकांक, पेट्रोलियम, सीमेंट, स्टील और सेवाओं और वस्तुओं का आयात निर्यात सेक्टरों के आधार पर जीडीपी का मूल्यांकन होता है। सुब्रमण्यम ने देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई जाने वाली नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम के अनुसार भारतीय पॉलिसी ऑटोमोबाइल एक गलत स्पीडोमीटर से आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, अरविंद सुब्रमण्यम ने भारत की तुलना 71 उच्च और मध्यम अर्थव्यवस्था वाले देशों से की है। इसके लिए अलग से पैमाने लिए हैं, कर्ज, निर्यात, आयात और बिजली। उनका कहना है कि जीडीपी के आंकड़ों जिन आधार पर तय होते हैं उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के लिए उपलब्ध करा देना चाहिए। सुब्रमण्यम का कहना है कि विनिर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जहां सही तरीके से आकलन नहीं किया गया। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम पिछले साल अगस्त में आर्थिक सलाहकार पद से हटे हैं। हालांकि उनका कार्यकाल मई 2019 तक के लिए बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव यह है कि बृहद आर्थिक नीति काफी बड़ी है, सुधारों को आगे बढ़ाने की गति संभवतः कमजोर हुई है। आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाना प्राथमिकता में सबसे ऊपर होनी चाहिए। उनका कहना है कि जीडीपी के अनुमान पर फिर से गौर किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा किए गए नोटबंदी के दौरान भी सरकार के आर्थिक सलाहकार ने मोदी सरकार के इस फैसले को झटका बताया था, तब भी जीडीपी दर गिरी थी। सुब्रमण्यम द्वारा भारत की जीडीपी पर सवाल उठाने के बाद अब सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि जीडीपी विकास दर के आंकड़े पूरी तरह प्रमाणित है। सरकार का कहना है कि जीडीपी की गणना वैज्ञानिक और सांख्यिकी मानकों पर आधारित है। भारत सरकार के मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जीडीपी के जो अनुमान जारी किए हैं वे स्वीकृत प्रक्रिया व विधि और उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है और वे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निरपेक्षता के साथ मापते हैं। उनका कहना है कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी जीडीपी वृद्धि के बारे में जो अनुमान व्यक्त किए हैं वे भी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमानों के आसपास है। मंत्रालय ने समझाते
ने जो ब्यौरा जारी किया है उसमें कहा गया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का अनुमान एक जटिल प्रक्रिया होती है। आपको बता दें कि दुनिया भर के देश संयुक्त राष्ट्र के सिस्टम आप नेशनल अकाउंट को फॉलो करते हैं और भारत ने भी नेशनल अकाउंट के लिए इसे स्वीकार किया हुआ है। भारत में नेशनल अकाउंट डिवीजन जीडीपी के आंकड़े जुटाता है। इस विधि व प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए इसे प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। हालांकि अरविंद सुब्रमण्यम के आंकड़े कितने सही है यह कहना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार द्वारा दिए गए जीडीपी के आंकड़े गलत हैं? क्या अरविंद सुब्रमण्यम के आंकड़े सही हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।